चित्तौड़गढ़ से खबर आ रही है जहां श्री सांवलिया जी के भंडार से 4 करोड़ रुपए की राशि दान पात्र से प्राप्त हुई। आपको बता दें चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ के दान पात्र सावन महीने के 14 बुधवार के दिन राजभोग आरती के पश्चात सांवलिया सेठ का दान पात्र खोला गया। भंडार के दौरान मंदिर बोर्ड के CEO और मंदिर बोर्ड के चेयरमैन भैरूलाल गुर्जर उपस्थिति में सांवरिया सेठ का दान पत्र से 4,22,40,000 रुपए इनकी गिनती की गई। शेष राशि की गिनती अभी बाकी है। इसमें छोटे बड़े नोटों सिक्कों की गिनती और सोना चांदी तोल और पेट कब्ज कार्यालय की राशि हरियाली अमावस के बाद की जाएगी। इस मौके पर मंदिर बोर्ड के प्रशासकीय अधिकारी कैलाश चंद दधीज रोकड़िया ने नंदकिशोर ट्रेलर मंदिर बोर्ड के सदस्य श्री लाल पाटीदार भैरूलाल सैनी संघ संस्थापक अधिकारी लहरी लाल काडरी गौशाला प्रभारी कालूलाल तेली मंदिर बोर्ड के कर्मचारियों की उपस्थिति में सांवरिया सेठ का दान पात्र खोला गया।